हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और मैंने उठा लिया झाड़ू। झाड़ू मारते हैं आंगन का, उसके बाद हो जाएगी बहुत ही कड़क धूप, उसके बाद अंदर का काम देखते हैं फिर करते हैं। आप बने रहिएगा व्लॉग में। सीख भी निकल रही है, इधर उधर गिर रही है। बाप रे, परसों तो हम कह रहे थे कि ठंड लग रही, ठंड लग रही, अब घाम लग रहा, घाम लग रहा। दिल है कि मान पता नहीं, ऐसा मौसम रखा है, ना धूप सही जा रही है और ना बारिश। ये देखो, मैं नारद मुनि बन गई। जूड़ा खिसक यहाँ आ गया। जब तक मैं पोछा मार रही थी तो जूड़ा यहाँ खिसक गया और झाड़ू पोछा मार लिया मैंने। चम चम करके झाड़ू पोछा मार लिया और कपड़ों के थोपड़ा ये लगा देखो, पूरा ढेर लगाया कपड़ों का। और कल से मुझे टाइम मिला ही नहीं, बच्चों के साथ ऐसे ही बिजी थे बात करने में, बहुत टाइम बाद मिले थे बच्चा पार्टी। और अब करूँगी मैं, पूरा ढेर लगा हुआ है। तो थकान लग गई है, फिलहाल करते हैं, पहले तो ये पंखे बंद करते हैं और एक कप चाय बनाती हूँ मैं। लेकिन किचन का पोछा तो सूखा ही नहीं, क्योंकि किचन में पंखा है ही नहीं, तो यहाँ के लिए भी पंखा निकालना पड़ेगा छोटा वाला। तो चलो चाय बनाती हूँ मैं। मैंने अभी ब्रश ही नहीं कराया, पहले ब्रश करती हूँ। बाय। और मैं भी नहा चुकी हूँ। तो आज क्या हुआ कि मैंने साथ ही साथ खाना भी बना दिया है, मतलब कि भात और दाल। भात और दाल नहीं बनाया है, दाल बच्चों के लिए है। और मैंने बनाया है अपने लिए आलू का झोल। मौसम बाहर गुनगुना हो रखा है, अच्छा हो रखा है और हवा भी चल रही है अच्छी वाली, गुनगुनी लग रहा है और धूप भी है, मिक्स है, गुनगुना मौसम। चलो खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चलता है व्लॉग में आगे। है हॉट डैशिंग मंडिया, चल पैर साफ करो। बाप रे, क्या तूफान चल रहा है दोस्तों। ये देखो, मैंने तो सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और टावल उड़ने वाले हैं मेरे हवा में। उठा लो इनको। अरे यहाँ तूफान बहुत चलता है, पिछले साल दो साल नहीं चला है, इस बार बहुत चल रहा है। इतना भयंकर तूफान चलता है कि मतलब आप ये समझो कि मतलब जो टंकियों के ढक्कन है वो तक उड़ जाते हैं। दिखाती हूँ आपको तो। ये कुकरा लौड़न में तो डरा यार। ये देखो, ये बाहर में बैठा था, उसने मुझे डरा दिया। अरे ऐसा तूफान चल रहा है, देखो गेहूँ देखो ऐसे झूम रहे हैं गेहूँ इस तूफान में। What's up? Good morning. What's up? अंदर चलते हैं, अंदर चले जाते हैं दोस्तों, कहीं मैं भी ना उड़ जाऊं तूफान में। चलो, बहुत धूल उड़ना शुरू हो गया। चकदे 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 फटे या हड़प्पा। अभी तक तो तूफान चल रहा था, अब शांत हो गया है। लेकिन मतलब बाहर के काम के लिए अच्छा है, लेकिन बाहर का काम है क्या? सुस्ती आ रही है और मुझे नींद आ रही है बहुत भयंकर। लेकिन ये अंदर जाएंगे नहीं, सबके बच्चे ऐसे ही रहते हैं क्या दोपहर में घूमते हुए? चैन नहीं है, देखो एक वो है बेचैन आत्मा, वो देखो दूं धक्का। अंदर आ वरना फिट जाएगा। मैंने तुझे टांग देना यही छत में, बता रही मैं। सीधे सीधे रास्ता आ जा, मत कपड़े गंदे हो रहे हैं, फिट जाएगा तुम्हारे हाथ से। और डुकू तू गमले पे वो मत करना, प्लांट्स मत तोड़ना। अगर दोबारा कूदो ना तो उस प्लांट के ऊपर से, मेरे गुलाब के ऊपर से, तो देखना तो तेरे पूटी पे कांटे चुपा देने मैंने उसी के, तेरे पूटी पे कांटा लगा देना मैंने उसी गुलाब का। गर्मियों की शाम वो
ठीक हुआ, आया मजा, आया स्वाद। पीछे कर रहा साइकिल, आया स्वाद है। साइकिल पर करो, इधर आ कर निकाल दी। पगले पगला है, पगला ये पगला। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता इन बच्चों के साथ क्या फुर्सत होगी, ये दिन में सोते नहीं, आराम नहीं करना इन्होंने, ऐसे आवरों की तरह भटकती आत्मा, बेचैन आत्माओं की तरह घूमते रहना। इनको देखने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए, चाह के भी आराम नहीं होता इनके साथ। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही हैं, भटकती आत्मा की तरह घूम रहे हैं, जैसे ये दोनों के दोनों मेरे। जा उसके लिए रोटी लिया, बहुत दिनों बाद कौवा आ रखा है, परसों भी आया था, मौसम खराब है ना आजकल। कौवा नहीं तो क्या, बता क्या, वो बेवकूफ आती है वो। वो देखो इधर आ गई है कल्ली, उधर आ गया है कौवा, अब रोटी देंगे ना दोनों के दोनों, लड़ाई करेंगे। कौवा भाग गया, कौवे कल्लू है टनंग टनंग टनंग। अरे पहले इसको दे दे, कौवा तो पता नहीं चला गया। क्या डाकी है जो तू तो नीचे से खिसका रहा है चिट्ठी की तरह, खा ले लो लोटी, खाओ लोटी, खाओ खाओ। अभी देखना डांटती हूँ कल्लू कैसे करेगी कान। कल्लू फिर कहाँ जा रही है उधर, किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, चुप खड़ी हो जाती है एक जगह में, कहाँ जा रही, फिर तुझे बोला यहाँ आने को, बोला तुझे यहाँ आने को। डलती है डलती है, पंजा नहीं देती, इसको पंजा देने नहीं आता। कल्लू देख प्यार करने आ रही है कि मुझे डांट रही है तो प्यार करेगी। कल्लू नो नो नो, बैठो, मैं नहीं छूती, नहीं ची, इसकी नाक पे मेरा हाथ लग गया, चीची गिल्ला, अब छू ही लेती हूँ। कल्लू को मार दूंगी मैं, मर्डर कर दूंगी, मर्डर, चल फुट मारू इसे, मारू इसे। मोर गर्दन इतनी मोटी गर्दन है ना इसकी, ऐसी थोड़ी है यहाँ की डॉन। अब तूने हैंड वॉश अब भी जाके कर, तू भूल जाएगा उसके बाद, चल मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, आपको मिलेंगे शाम को। खोल दूँ तुझे, खोल दूँ, खोल दूँ, खोल दूँ। कल्लू बाय, कल्लू बाय, कल्लू बाय। कल्लू कितना गुस्सा आ रहा है, चलते हैं थोड़ा वॉक करके आते हैं शाम के। ना धूप है ना बारिश है ना हवा है, कुछ नहीं है, मौसम अच्छा होता है, आज बाहर घूमने के लिए मौसम बहुत अच्छा होता है। नमस्ते, इन दोनों की लड़ाई हो रही है आज, वैसे तो बड़े दोस्त बनते फिरते हैं। ये देखो कल्ली बहुत परेशान कर रही है उसको, कल्ली परेशान कर रही है आज उसको, आज व्हाट्सअप गया, अंकल जी का ट्रैक्टर आ गया। ये देखो कल्ली कितना परेशान कर रही, कल्ली कल्लू है? ये कौन सा गाना है? आहा आहा, किसके पैर ठंडे हो रहे हैं? उसके पैर लगा रहे ठंडे। चाय पियोगे? हाँ। चाय पियोगे? अंगूर, अंगूर खाएगा फिर चाय पिएगा। ये अल्लू अर्जुन की पिक्चर में जो विलन था ना उसकी एक्टिंग कर रहा है, कौन सी पिक्चर थी बोलो? अलावा कंठपुरम। कैसे करता था गुंडा? अलावा कंठपुरम चस करता था, कैसे करता है
फिर से बोल। चुप रहो ना। क्यों? मम्मी के साथ मुंह चलाते हैं। दोबारा चलाना जरा, दोबारा चलाना जरा। इन दोनों ने पैर धोए और पैर तो धो दिए लेकिन पूरा बाथरूम गीला कर दिया। गीला नहीं मतलब कीचड़ कीचड़ लगा दिया पैरों में। ऐसे गंदगी कर देते हैं बच्चे। तलब तेरी यारी से चले ना दुनियादारी से, तू बन मेरी हीर। मैं बनाते हैं गर्मा गर्म हॉट हॉट चाय। चाय बनाते हैं, चाय यॉक टॉक चाय। उबल गया है पानी, अब डालेंगे अदरक। देखो कैसे थींचा है मैंने ये। इसको डालेंगे पानी में, फुल तुक। चाय पत्ती डाल देते हैं। जब तक चाय उबलती है तब तक हम सब्जी निकाल लेते हैं। और सब्जी में क्या बनेगा आज, लेट्स सी क्या बनेगा गाइस। तो सब्जी में बनेगा आज ये तुमड़ा। डोंट अंडरस्टैंड यार, तुमड़ा कहाँ की भाषा है। यह है कद्दू, और कद्दू को मेरी दादी कहती थी अमृत, अमृत तब भुजी बनाना है आज। और तुमड़ा भी मैंने कहीं से सुना है, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से सुना है। और यह है कद्दू, तुमड़ा, अमृत, सीताफल और पम्पकिन और पता नहीं क्या क्या, कितने नाम है इस सब्ज़ी के। यही सब्ज़ी है जिसके इतने नाम है, बहुत सारे। तो ये अमृत ऐसे ही नहीं बोलते थे, सच में कद्दू बहुत ही, मतलब कद्दू ऐसी सब्ज़ी है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। और अमृत कहते थे पहले के लोग, तो पेट के लिए ठंडा भी होता है और अच्छा होता है कद्दू। तो इसका रायता भी बनता है हमारे यहाँ गढ़वाल में, छाछ के साथ। तो बहुत ही, उसको बोलते हैं रैठू, है ना। मतलब मैंने खाया नहीं कभी, सच ही बता रही हूँ, मैंने सुना है, मैंने खाया नहीं कभी। तो उसको कहते हैं रैठू। नहीं खाया है यार मैंने, मेरे पापा ने बनाया था एक बार, मुझे याद है। तो वो जो लाल पीला कद्दू हो जाता है ना बड़ा होके, तो उसका बनता है रैठू शायद। हाँ मैंने खाया है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बल्कि भात के साथ भी हम उसे खा लेते थे। उफ़, फिलहाल मेरा हाथ दर्द हो गया फ़ोन पकड़ के भाई। तो आधा पीस बचाइए पहले का और आधा इसको काटेंगे हम, है ना। कद्दू बहुत पसंद है हमको बहुत, और गाँव में भात में भी खा लेते थे कद्दू, और लौकी के साग में खा लेते थे भात, अभी भी खाते हैं। दोस्तों में झसक गई, थो। हमारे यहाँ करते हैं जब डर जाओ किसी चीज़ से तो ऐसे करते हैं, थो। मैं सच में डर गई, पता किसको देख के डरी, दिखाई दे रहा है इसमें, लाइट जला के दिखाती हूँ। वो है ना बदतमीज़ो फ्लावर पॉट, वो वहाँ रखा है, वो गुलाबी और वो येलो। वो आज मैंने सफाई करी ना उधर को, तो वहाँ खिड़की में रख दिया था मैंने जब पोछा मार रही थी। अभी अंधेरे में ना एकदम से दिखा, मुझे लगे कोई खड़ा है मेरे पे। साला बदमाश बदतमीज, मैं तो डर है अरविंद। तो इसको नीचे निकाल देती हूँ मैं, ये है, मुझे लगा कोई खड़ा है वहाँ पे। ये ऑनलाइन मंगाया मैंने, ऑनलाइन बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों एक साथ ही आए और बजाए उसके सस्ते हैं, मतलब दुकानों में महंगे हैं काफ़ी, तो ऑनलाइन सस्ता पड़ा मुझे। पर्दे लगा लेते हैं, चाय मेरी उबल गई है। तो मैं डर गई, मैं डर गई और मैं किस बारे में बात कर रही थी वो भी भूल गई मैं। चलो फिलहाल पीते हैं चाय। उमाल निकालते हैं इस पर, एक बिल उमाल आएगा अभी, बिल खुश घर मोरे परदेसिया।
ओए ए लड़के, ए बच्चों, नाखून मत खाओ, नाखून मत खाओ, आ जाओ चाय में रस खाओ। चाय में रस खाओ, ये कम वाली चाय मेरी, मुझे नहीं पीनी चाहिए। मोगली आनो, मोगली मोगली देखना चाहिए। मोगली किसकी? पुदीने की और प्याज की। तो बहुत मन कर रहा था मेरा खाने का। और पीसते हैं चटनी, सिंपल टेस्ट चटनी का हर बिछाने। तो मैं बता दिया, मेरा में प्याज की पिरी लगी। ओए प्याज की पिरी लगी दोस्तों। थोड़ा सा नमक, प्याज की पिरी लगी मेरा आंखों पर। रुला दिया इस प्याज ने तो, इतनी दर्द भरी कहानी है इसकी। पापड़ बचे हुए और रोटियां बन चुकी है हमारी। देखो आटे से बनाया मैंने। अब इस केचुआ डिश को खाएंगे। ये केचुआ खाने वाला, ये देखो किस किसने बचपन में किया ऐसा, ऐसा कर हाथ ऐसे कर, ये देखो देख रहे हो, ये आटे से बना रखा है इसने। ये देखो इसका मुंह भी बनाया। क्या है ये किलविश? जब भी आटा मलती हूँ ना हाथ फैला देता है। मम्मा आटा दे दो। पहले तो बहुत सारे डिजाइन बनाए उसने और लास्ट में उसको खा जाएगा। बच्चों की बातें, बच्चे जाने, बच्चे मन के सच्चे। तो चलो भाई रोटी हो गई है फिनिश और भिंगराना मची है मेरे किचन में, भिंगराना मची है तगड़ियों। तो यार इतनी कोशिशों के बावजूद भी छी उबाल आके उसमें लपड़े गया दोस्तों। देखो सर जाली लपड़े गया मेरे दो दिन। अब किचन हम के भिंगराना मची यक बटी यक लेके, ये सब्जी मैंने धो रखी है, अब इसको फ्रिज में डाल देंगे। ये कुत्ते के लिए निकाल रही है रोटी, वो परात हो गई खाली। ये धूड़ा भाई एक गोली दिया गिरा गया। अब दिखणु चो मेरे लुखा लड़ो ये हाल छिन। चलो इसको आटे के साथ डाल दूंगी। चलो ले जाते हैं भांडे खाना खाने के लिए। लो भाई सेवे निकाले, क्या ले आई मैं, देखो कौन सी करछी ला गई। आना अच्छा रोटी चाहिए, रोटी भी खुद नहीं निकाल सकते। पुदीने की चटनी खाएगा? आज मैंने पुदीने की चटनी बनाई है, पुदीना प्याज की चटनी। चल मैं खा लेती हूँ, तो मेरा तो फेवरेट बना कर भी अच्छा लगता है और पुदीने की चटनी। चलो खाना खाते हैं। छोटा बच्चा है ना अभी, मैं उठा भी नहीं पा रही इसको। लाइट खोल, लाइट खोल। हाँ मेरा पटाई गया रे, पापा कर दे। चल लेट
मैराथन में जाना है इसको, मैराथन। चलो नहीं निकलो लेटा। और मेरे तो बर्तन रह रखे हैं धोने के लिए, तो बर्तन ले जाते हैं। पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर खत्म खत्म होते होते खत्म खत्म हो गई है, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। ये देखो खाली बर्तन, सेम ही चट कर जाते हैं बच्चे, चट मीठा खाने के लिए बहुत ही खतरनाक है बच्चे। चलो बर्तन धोते हैं, फिर मिलते हैं आपको बिस्तर में सीधा। क्या होता है इसे, मेरे भी लगाओ, लड़की है तू। होता क्या है इससे, इससे होंठ फट जाते हैं, तीड़ जाते हैं, तिड़कवाल पड़ जाती है होठों पे। जैसे मेरी पड़ी आजकल, बहुत धूल उड़ रहा था और पता नहीं होंठ क्यों फट रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने। और खाना पीना खा के हम आ गए, बर्तनों का ढेर भी धो लिया है, और बाहर चल रही है क्या, तूफान भी चल रहा है, और बिजली आंधी तूफान कड़कती भड़कती बिजली भी चमक रही है, थंडर स्टॉर्म जिसको कहते हैं, फिर से वही हो गया है मौसम का हाल यार। सुबह अच्छी खासी धूप थी, उसके बाद से बादल आ गए थे, और आंगन में भी थोड़ा हिसाब किताब ठीक करके आ गए हैं हम, और गमले वगैरह रख दिए हैं इधर पोर्च के नीचे, मुझे भी करनी, परसों ही मैंने सफाई करी, तो सफाई करके बहुत थकान लग जाती है। और फिलहाल तो बिजली चमक रही है, तो फ़ोन पर ज़्यादा मैं पकड़ूंगी नहीं फ़ोन को, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, ब्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड, और सो जाते हैं। बिजली चमक रही है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं नींद कैसे आएगी। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, है ना, आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव। उसके बारे में था। क्या बोला, क्या बोला तुमने, को शॉर्ट 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 शॉर्ट।